ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई आपको सुसाइड करने की धमकी देता है, यानी कि कहता है कि ये काम कर दो मेरा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा वगैरह वगैरह, इसकी काफ़ी कैटेगरी है हमारे पास। एक तो हस्बैंड वाइफ की हो गया, आपने देखा होगा कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेकर, तो वाइफ सीधा बोलती है कि ये काम कर दो या फिर वो काम कर दो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं सुसाइड कर लूँगी और आपकी फैमिली को फंसा दूँगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, वाइफ अपना घर छोड़ के हस्बैंड के साथ रहने लगती है, तो जो हस्बैंड के फैमिली वाले होते हैं उनसे वाइफ की नहीं बनती, तो वाइफ बोलती है कि हमें अलग घर ले लेना चाहिए और वहाँ पर रहना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, हस्बैंड इतनी जल्दी राज़ी नहीं होता, तो वाइफ अपना स्टार्ट कर देती है कि भाई अगर आपने ऐसा नहीं किया या मेरी बात नहीं मानी तो मैं सुसाइड कर लूँगी, और हस्बैंड को डराती है, और ये भी बोलते हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसा दूंगी, आपकी सारी फैमिली को फंसा दूंगी वगैरह वगैरह वगैरह, कुल मिला के सुसाइड की धमकी देते हैं। तो ऐसे केसों में आपको क्या करना चाहिए? अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वाइफ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे कोई पर्सन भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि पर्सनों के बीच में भी हो जाता है ऐसे बिजनेस को लेके कि भाई मेरा अगर ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड करके सबको फंसा दूंगा वगैरह वगैरह। तो सुसाइड के बाद तो हमें पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन सुसाइड से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए। अगर कोई आपको धमकी देता है ऐसी कि मैं सुसाइड कर लूँगा, तो ऐसे केसों में क्या करना चाहिए? तो आपने पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, उसमें जो स्थिति है आपकी वो लिखवानी चाहिए कि ये पर्सन है मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है, यानी कि आपको सारी डिटेल उस चीज़ में बतानी है, और लास्ट में एक क्लोज लिखवाना है कि अगर कल को ये सुसाइड करता है तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखेंगी, कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन के लिए आप जो टाइपराइटर्स होते हैं कोर्ट में या तहसील में, उनके पास जाके ये सब लिखवा सकते हो। और रही बात पुलिस स्टेशन की, तो आपको कहाँ जाना है, हो सके तो आप अपने ज्यूरिडिक्शन के थाने में जा सकते हो, अगर वहाँ नहीं बनती है बात, अगर वो आपकी एप्लीकेशन नहीं लेते हैं तो आप SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर होता है, आप उनको दे सकते हैं। So I hope it is clear.